हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सरस्वती क्लासेस बात करते हैं स्टूडेंट आज हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है संज्ञा इस सेशन में अपने संज्ञा संज्ञा के कितने भेद होते हैं और प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जितने बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे ये टॉपिक देखने में जितना ईजी लगता है डे बाय डे क्वेश्चन इस पर उतने ही टफ बनते जा रहे हैं तो उन सबको आज अपने इस वीडियो में देखेंगे और ये वीडियो उन सभी के लिए स्टूडेंट महत्वपूर्ण है जो कि डी ट्री प्लस बी के वी एस एन वी एस रीट या जितने भी टीचर एग्जाम में जितने में हिंदी आती है उन सब के लिए महत्वपूर्ण है तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का हमारा तो स्टार्ट करते हैं संज्ञा स्टार्ट करने से पहले मैं आप, आपको बता दूं कि संज्ञा क्या है उसके भेद क्या हैं ये मुझसे बेहतर आप जानते हो लेकिन आज का जो स्टूडेंट सेशन रहेगा वो आपको ये बताने के लिए रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और आप किस तरह आप पढ़ते थे संज्ञा को पहले कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम आदि को व्यक्तिवाचक बोलते हैं मान लो राम नाम है तो उसको व्यक्तिवाचक टिक कर दिया या कोई जाति है तो उसको जातिवाचक टिक कर दिया उससे हटकर आज आपने कुछ पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में तो पहले मैं आपको दो तीन मिनट आपको संज्ञा के बारे में बता देता हूँ उसके बाद अपने प्रीवियस के क्वेश्चन हैंडल करेंगे तो सबसे पहले संज्ञा क्या है देखिए डेफिनेशन आपने बहुत बार पढ़ी होगी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ डेफिनेशन है क्या एक्चुअली ब्रह्मांड में जो कुछ भी अपने चारों ओर है चाहे वो किसी भी रूप में है चाहे किसी भी आकार में है चाहे किसी भी दशा में है चाहे किसी भी भाव में है सबके कुछ ना कुछ नाम होते हैं दोबारा मैं आपको दोहरा रहा हूं कि हमारे ब्रह्मांड के चारों ओर कुछ भी है चाहे वो किसी भी दशा में है किसी भी रूप में है किसी भी आकार में है या किसी भी भाव में है सबके कुछ ना कुछ नाम होते हैं उन नामों को ही अपने क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं इट मीन्स संज्ञा का दूसरा नाम क्या हुआ स्टूडेंट नाम संज्ञा को अपने नाम भी बोल सकते हैं किसी प्राणी वस्तु स्थान गुण या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं देखिए है, संज्ञा चाहे निर्जीव हो चाहे संजीव हो सबके कुछ ना कुछ नाम होते हैं इस ब्रह्मांड में सब चीज़ें जो दृश्य हैं और अदृश्य हैं सबके कुछ ना कुछ नाम होंगे मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये जो डेफिनेशन मैं आपको बोल रहा हूँ इसी डेफिनेशन से अपने पूरी की पूरी संज्ञा क्लियर कर देंगे आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है इस ब्रह्मांड में कुछ भी दृश्य है और अदृश्य है सब के सब क्या होंगे संज्ञा होंगे जिनके नाम हैं अब दृश्य की बात करूं तो दृश्य क्या चीज़ें होती हैं दृश्य होती हैं व्यक्ति ठीक है स्थान उसके बाद आपके पास व्यक्ति स्थान अगर अदृश्य की बात करूं तो अदृश्य में क्या होंगे भाव ठीक है इन सब को अपने क्या कहेंगे इन सब को अपने संज्ञा कहेंगे व्यक्ति स्थान वस्तु भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं ठीक है स्टूडेंट आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी दृश्य है या अदृश्य है जिनके नाम हैं उनको संज्ञा बोलते हैं अब संज्ञा के मेनली तीन भेद होते हैं वो आपको पता है सबसे पहले व्यक्तिवाचक हुआ जातिवाचक हुआ जातिवाचक के आगे दो भेद पड़ेंगे अपने समूहवाचक और द्रव्यवाचक फिर तीसरा हुआ भाववाचक ठीक है अब व्यक्तिवाचक क्या होता है मैंने अभी बताया था क्या बताया था कोई भी चीज दिखती है दृश्य के रूप में दृश्य एक तो व्यक्ति हो गया ठीक है उसके बाद क्या हुआ वस्तु हो गया और तीसरा स्थान हो गया ठीक है चौथा भाव हो गया उसको बोलते थे अपने संज्ञा लेकिन व्यक्तिवाचक में किसको काउंट करेंगे जो चीजें अपने को दिखती हैं जो चीजें अपने को दिखती हैं उनके नाम मालूम है अपने को व्यक्ति हुआ वस्तु हुआ स्थान हुआ जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम का बोध होता है उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा अब मेरी एक बात आप क्लियर कर चुके होंगे दृश्य और अब आपको मालूम अंतर आपको अंतर मालूम चल गया होगा कि दृश्य और अदृश्य में क्या होता है अदृश्य जिसको देख नहीं सकते अब आपसे आपका आपको डिफरेंस मालूम होगा कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक में अंतर कहां पता चलता है कि जो चीजें दृश्य होती है जिसको देख सकते हैं व्यक्ति को देख सकते हैं वस्तु को देख सकते हैं स्थान को देख सकते हैं किसी वस्तु व्यक्ति स्थान आदि के नाम को अपने क्या बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्लियर होगी आपकी अभी और ज्यादा क्लियर करूंगा आपको पहले चलते हैं उसके बाद कहता है कि अभी आपने पढ़ा था दृश्य दृश्य में अपने दो चीजों को काउंट करते हैं एक तो व्यक्तिवाचक को और एक जातिवाचक वाचक व्यक्तिवाचक था किसी वस्तु व्यक्ति स्थान आदि के नाम को तो जातिवाचक क्या होगा किसी वस्तु यदि किसी शब्द से व्यक्ति वस्तु और स्थान आदि की जाति का बोध होता है व्यक्ति वस्तु स्थान आदि की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं क्या कहते हैं जातिवाचक कहते हैं आपको बता दूं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों दृश्य होती हैं क्या होती हैं इनको देख सकते हैं इनको पकड़ सकते हैं ठीक है व्यक्ति वस्तु स्थान ये आदि के नामों को बताने के लिए व्यक्तिवाचक होता है आदि की जातियों को बताने के लिए जातिवाचक का यूज किया जाता है दोनों क्या होंगी दृश्यात्मक होगी अब जो अदृश्य रहेंगी वो कौन सी रहेंगी भाववाचक रहेंगी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जातिवाचक के दो भेद होते हैं एक तो समूहवाचक समूह क्या होगा दल हो सकता है संगठन हो सकता है समिति हो सकती है आदि अपने को समूहवाचक का बोध करवाते हैं जिस संज्ञा से अपने को वस्तुओं की समूह संगठन समिति का बोध होता है उसे बोलते हैं समूहवाचक इसके जो एग्जाम्पल हैं हु कम से कम सौ डेढ़ सौ बार पूछे गए एग्जाम में अलग अलग भीड़ को अपने समूहवाचक में काउंट करेंगे जनता को सभा को कक्षा को ठीक है गुच्छा कुंज मंडल समिति ये सारे के सारे क्या होंगे ये सारे के सारे समूहवाचक में काउंट होते हैं आपको ये एग्जाम्पल याद करके रखने हैं भीड़ जनता सभा समिति संगठन समुदाय गुच्छा कुंज मंडल घोंद उसके बाद द्रव्यवाचक जिन संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का भेद होता है जिनको नापा जा सके तोला जा सके जाति के अंदर जैसे घी ठीक है तेल सोना चांदी तांबा या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या पदार्थ का बोध होता है तांबा पीतल चावल घी तेल सोना लोहा ऐसे कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं को नाप तोल सकते हैं जाती के अंदर वो द्रव्यवाचक होंगी आपको ये एग्जाम्पल याद करने हैं बस और कुछ नहीं करना अब आपको मैंने बता दिया कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों क्या होंगी दृश्य होंगी आप इस पूरी वीडियो को देखें इन फ्यूचर आपका कोई भी संज्ञा से क्वेश्चन होगा रिलेटेड वो गलत नहीं होगा अब देखिए नेक्स्ट है स्टूडेंट नेक्स्ट है भाववाचक दृश्य थी वो ने काउंट कर ली तो भाववाचक क्या रहेगी अदृश्य जिसको अपने देख नहीं सकते तो ऐसे भाव जिनको हम देख नहीं सकते महसूस कर सकते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा बोला जाता है जैसे मिठास हुआ थकान हुआ बुढ़ापा हुआ स्टूडेंट ये सारे के सारे वर्ड हैं थकान महसूस करते हैं कि हमें थकान हो गई देख नहीं सकता मिठास हम मिठास बता सकते हैं कि इसमें कितना मीठा है कितना कम मीठा है बुढ़ापा एक अवस्था होती है जिसको अपने जीते हैं गरीबी एक अवस्था है मतलब एक सिचुएशन है एक ठीक है आज़ादी हंसी चढ़ाई साहस वीरता सारे के आगे और ज़्यादा क्लियर करूँगा ये सारे के सारे क्या हैं ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिसको महसूस कर सकते हैं पकड़ नहीं सकते महसूस कर सकते हैं पकड़ नहीं सकते चाहे हंसी हो खुशी हो दुख हो धूप हो छाया हो गम हो ये सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट वीरता हो ये सारे के सारे महसूस कर सकते हैं देख नहीं सकते पकड़ नहीं सकते ठीक है स्टूडेंट अब ये देखिए कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है अब देखिए दशा अब भावाचक में दशा को भी काउंट किया गया जैसे बुढ़ापा हो गया शैशवावस्था हो गया बाल्यावस्था हो गया किशोरावस्था हो गया यौवन हो गया प्यास हो गया ठीक है अब सुंदर गुण दो सुंदरता कुरूपता चतुरता भाव आशा स्वार्थ क्रोध शांति कार्य में सहायता प्रशंसा विश्वास सलाह इन सबको काउंट किया गया किसके अंदर भाववाचक संज्ञा के अंदर ठीक है स्टूडेंट अब कुछ और देखते हैं अपने ये रहा सबसे बेसिक टॉपिक जो आपको संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी देगा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों जो संज्ञाएं हैं मैंने आपको बताया था ये दृश्य होती हैं और जो भाववाचक होती है अदृश्य अगर मैं आपसे पूछूं कि नदी क्या है देखिए नदी को अपने देख सकते हैं वो अदृश्य तो है नहीं ये भाववाचक तो यहां से कट गया ठीक है अब व्यक्तिवाचक क्या होता है व्यक्तिवाचक दृश्य होता है इसके साथ वो सदैव वचन रहेगा इट मीन जो व्यक्तिवाचक में अपने कोई भी शब्द लेते हैं उसका जिंदगी में अपने बहुवचन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हमेशा एक वचन ही रहेगा और जातिवाचक में वो सदैव बहुवचन होगा या बहुवचन बना सकते हैं शब्द को जो भी शब्द होगा उसको या तो बहुवचन बना सकते हैं या बहुवचन ऑलरेडी होगा तो देखिए नदी है नदियों इसको क्रिएट कर सकते हैं नदियों में चेंज कर सकते हैं नदियों में चेंज कर दिया तो ये बहुवचन बन गया तो ये जातिवाचक हो गया ठीक है वैसे भी अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा नदियां नदी तो बहुत है गंगा हो यमुना हुई ब्रह्मपुत्र हो, ब्रह्म हो कावेरी हुई तो इनसे अपने को जाति का बहुत है नदियों की जातियों का तो ये जातिवाचक में काउंट होगी उसके बाद यदि मैं काउंट करूं पुस्तक पुस्तक क्या स्टूडेंट देख सकते हैं उसका आकार बता सकते हैं कैसा कैसा होता है तो यहाँ से अदृश्य तो कट हो गया अब पुस्तक मैंने कहा था जो व्यक्तिवाचक होता है वो हमेशा एक वचन होगा उसको कभी भी बहुवचन में जनरेट नहीं कर सकते तो जातिवाचक दृश्य होगा उसके साथ हमेशा बहुवचन होगा या तो बहुवचन होगा या उसे बनाया जा सकता है तो पुस्तकें बहुवचन में क्रिएट कर सकते हैं तो ये पुस्तकें क्या होगी जातिवाचक पुस्तकें हिंदी की भी हो सकती हैं सोशल साइंस की भी हो सकती है हिस्ट्री की भी हो सकती हैं फिजिक्स की भी हो सकती है मैथ की भी हो सकती हैं है। तो इससे पुस्तकों की जाति के बारे में अनुभव हो रहा है अगर मैं आपको नाम लूँ फॉर एग्जाम्पल जैसे नाम लूँ अमन ठीक है अमन अब मुझे पता है देख सकता हूँ उसको तो दृश्य होंगी अदृश्य तो काउंट ही नहीं कर सकते इसके अंदर अब देखिए अमनों तो बना नहीं सकते इसे बहुवचन तो क्रिएट कर नहीं सकते तो ये सदैव एक वचन में ही रहेगा तो अमन नाम है अपने को पता है किसी का नाम हो तो उससे व्यक्तिवाचक की मतलब भाव झलकते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है मुझे मालूम हो गया कि आपको यहां से क्लियर हो चुके हैं व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक अब इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और ज्यादा तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कहता है निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है आर्ट एट दो हजार बारह और बी एड एग्जाम में पूछा गया है तो देखिए क्रोधी क्रोध क्रोधित क्रोध, क्रुद्ध आपके पास चार शब्द हैं अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है एक विशेषण शब्द की अपने विशेषता बता सकते हैं कि आप कोई भी वाक्य बनाइए और वाक्य में वो उसकी विशेषता बताता है वो जो शब्द तो वो विशेषण होगा और दूसरी बात मैंने अभी आपको बताया था जो चीज दिखती है ना बच्चा यह आपने कह सकते हैं दिखती है तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक नहीं दिखती तो वो भाववाचक अब देखिए मैं एक सेंटेंस बनाता हूं वह क्रोधी है वह आज बहुत क्रोधी है तो मतलब उसको गुस्सा आ रहा है तो ये सेंटेंस बिल्कुल शुद्ध है वह आज क्रोधित है तो ये भी शुद्ध लग रहे हैं वह आज बहुत क्रुद्ध है तो ये भी शुद्ध लग, 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 तो लग रहे हैं वह वह आज क्रोध है वह क्रोध है ये क्रोध बिल्कुल सेंटेंस अशुद्ध लग रहे हैं तो एसेंट शुद्ध लग रहा है बाकी जो तीन जो है क्रोधी क्रोधित क्रुद्ध ये किसी की विशेषता बता रहे हैं आज राम बहुत क्रोधी है तो राम की विशेषता क्रोधी होगी आज राम बहुत क्रोधित है क्रोधित हो गया आज राम बहुत क्रुद्ध है तो आज राम बहुत क्रोध है क्रोध से तो कोई वाक्य ही नहीं बन रहा तो देखिए वाक्य बनाया तो बिल्कुल नहीं बना तो जो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन होगा क्रोध ये संज्ञा होगा और ये कौन सी भाववाचक संज्ञा है कहता है इन शब्दों में भाववाचक शब्द कौन सा है हेडमास्टर एग्जाम में पूछा गया था 2011 में कहता है कि निम्न में से कौन से शब्द में भाववाचक संज्ञा है देखिए पहला शब्द उठाता हूं मित्रता मित्रता जिस भी शब्द के पीछे ता लगा होगा जिस भी शब्द के पीछे तव लगा होगा वो सारे के सारे वर्ड आपको नाइन्टी नाइन परसेंट शब्द आपको भाववाचक संज्ञा देखने को मिलेंगे जिन शब्दों के पीछे ता लगा होगा जिन शब्दों के पीछे तब लगा होगा स्टूडेंट वो सारे के सारे जितने भी शब्द हैं वो क्या होंगे भाववाचक संज्ञा होंगे जैसे शत्रुता हो गया मित्रता हो गया मानवता हो गया मनुष्य तव हो गया शिशु तव हो गया ममतव हो गया ये सारे के सारे वर्ड के हैं स्टूडेंट ये सारे के सारे जितने भी शब्द हैं ये भाववाचक संज्ञा है अब मित्रता को महसूस कर सकते हैं पकड़ नहीं सकते देख नहीं सकते तो मित्रता क्या होगी हमारी भाववाचक संज्ञा अब देखिए पंडित पंडित एक जातिवाचक संज्ञा है क्या स्टूडेंट जातिवाचक संज्ञा है बहुत सारे पंडित होंगे लेकिन अगर इसकी भाववाचक संज्ञा क्रिएट करता हूं तो पांडित्य बनता है मैंने अभी पांडित्य बनता है चलना एक क्रिया है स्टूडेंट क्या है क्रिया उसके बाद मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है अगर मनुष्य तो बनाता हूं तो यह क्या बन जाएगा भाववाचक इससे मैं आपको बता दूं कि जो मित्रता है यह भाववाचक संज्ञा है लेकिन यदि इसको तोड़ता हूं तो इसमें मित्र मूल शब्द निकलता है जो जातिवाचक संज्ञा को बताता है कई बार सीधे से क्वेश्चन आए हैं कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनी है तो मित्रता जातिवाचक संज्ञा से बनी है कुछ मैं आपको और उदाहरण बताता हूं जो जातिवाचक से सीधे क्रिएट हुए हैं किसमें भाववाचक से ये देखिए स्टूडेंट जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में जितने भी शब्द हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है स्त्री चेंज हुआ स्त्रीत्व में भाईचारा भाईचारा में मनुष्य मनुष्यता में या मनुष्यत्व में भी चेंज हो सकता है पुरुष पुरुषत्व में पुरुष में भी चेंज हो सकता है ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं शास्त्र शास्त्रीयता हो गया जाति जातीयता हो गया पशु पशुता हो गया बच्चा बचपन हो गया देखिए बचपन एक अवस्था है जो अपनों ने जी है उसको महसूस किया है लेकिन देखा नहीं है बच्चे को देख सकते हैं इसलिए कई बार कहते हैं अपने कहा है कि हमने बच तेरे बचपन को देखा है मतलब तेरे बचपन को महसूस किया है नारी नारी तव हो गया दुनु दुनु हो गया पात्र पात्रता हो गया बूढ़ा बुढ़ापा हो गया लड़का लड़कपन हो गया मित्र मित्रता अभी अपने पढ़ के गए थे कि मित्र एक मित्र बहुत सारे हो सकते हैं आपके कुछ कच्चे मित्र हैं कुछ पक्के मित्र हैं जो सबसे अच्छे मित्र हैं दोस्त मित्र हैं आ, महिला मित्र है पुरुष मित्र हैं तो कितने सारे मित्र निकल आए आपके बचपन का मित्र है आपके स्कूल का मित्र है आपके कॉलेज का मित्र है आपके गली का मित्र है आपके मोहल्ले का मित्र है आपके शहर का मित्र है तो दास अभी पांडित्याई मैंने पढ़ा था तो भी चेंज कर सकते हैं पांडित्याय और पांडित्याई में भी चेंज कर सकते हैं एक वर्ड के बहुत सारे अपने बना सकते हैं ये पांडित्या जातिवाचक से कन्वर्ट किया है यदि इसे और तरीके से बनाएं या मतलब विशेषण से बनाएं तो यह अलग निकलेगा अध्यापक अध्यापन होगा सेवक सेवा होगा नेक्स्ट देखते हैं अपने नेक्स्ट है पी आर टी दो हजार बारह में पूछा गया कि झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता इस वाक्य में विश्वास है देखिए

तो एक तरह से भाववाचक संज्ञा है कि झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता झूठे आदमी की एक तरह से आदमी की विशेषता क्या होगी झूठा ठीक है स्टूडेंट नेक्स्ट अपने देखते हैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था इस वाक्य में धोखा शब्द कौन सी संज्ञा है भाववाचक समुदायवाचक जातिवाचक व्यक्तिवाचक अब देखिए धोखा तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था धोखा अपने देते हैं कोई देखता नहीं है महसूस करता है ठीक है तो भाववाचक संज्ञा होगी अदृश्य होता है धोखा नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में तब्दील हो जाएगा तो देखिए कौन सा प्रत्यय लगाने से जो मधुर है वो भावाचक में चेंज हो जाएगा तो ये देखिए अगर तव लगाता हूं तो मधुर तव कोई शब्द नहीं है मधुरता अभी अपने चेंज कहे गए, गए थे मधुरता जाति मैंने कहा था मधुर एक विशेषण है मीठा लगाया तो क्या बन गया मधुरता हो गया या तो मधुर के पीछे मैं यदि यह लगाता हूं तो उससे एक वाक्य बनता है मधुर्य कौन सा आ गया मधुर्य तो वो भी क्या होगा भावाचक होगा यदि ता लगाता हूं मधुरता तो भी वो क्या होगा भावाचक हो गया मैंने आपको बताया था जिसके पीछे तव लगता है ता लगता है पन लगता है अभी और भी आगे तम लगता है ये चारों वर्ड जिसके पीछे लगते हैं वो भावाचक होते हैं अब मधुरता के पीछे ता लग सकता है या क्या लगता है यह लग सकते हैं तो सौंदर्य हो गया माधुर्य हो गया ठीक है ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं प्रभु हो गया ठीक है मित्रता हो गया लड़कपन हो गया बचपन हो गया ठीक है ये सारे के सारे वर्ड भाववाचक को बताते हैं नेक्स्ट है निम्न में से कौन द्रववाचक संज्ञा नहीं है देखिए द्रव्यक संज्ञा मैंने आपको बताया था जिसको नाप तोड़ सकते हैं घड़ी पहले से गलत है तेल तोड़ सकते हैं लोहा तोल सकते हैं दूध तोड़ सकते हैं तो घड़ी जो होगा स्टूडेंट वो हमारा क्या होगा द्रव्यवाचक नहीं होगा नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा बताइए डी ट्री प्लेस बी नॉन टीचिंग में पूछा गया वीर तव जिसके पीछे तब लगा भाववाचक कट चुका है सेना समूहवाचक दलवाचक संगठन समिति कुंज भीड़ आदि समूहवाचक श्याम व्यक्तिवाचक उसने पूछा कि जातिवाचक तो सेना जातिवाचक का एक पार्ट है जातिवाचक के दो पार्ट थे समूहवाचक और द्रव्यवाचक तो जातिवाचक का एक पार्ट है समूहवाचक तो सेना क्या होगा जातिवाचक होगा नेक्स्ट है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है शब्द में बुढ़ापा शब्द कौन सी है तो देखिए बुढ़ापा बूढ़ा जातिवाचक से बना है तो बुढ़ापा महसूस करते हैं एक अवस्था है तो भाववाचक है नेक्स्ट है इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है मांडवी घरेलू भला स्वतंत्र देखिए मांडवी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है नेक्स्ट देखते हैं अपने जातिवाचक संज्ञा नहीं है जातिवाचक संज्ञा नहीं है लकड़ी बहुत तरह की हो सकती है चंदन की बबुल की नीम की किसी की लकड़ी हो सकती है लकड़ी जातिवाचक है लोहा बहुत सारा क्या लोघना होता है मैग्नेटाइट हो गया अपने चार तरह के पीट लिग्नाइट बिटुमिन पढ़ते हैं अपने कोयले के प्रकार तो लोहे के भी बहुत सारे आयस्क होते हैं तो लोहा भी जातिवाचक है पुस्तक बहुत सारी पुस्तकें हैं शैशव शैशव एक अवस्था है जो शिशु जातिवाचक से क्रिएट हुआ है अगर शिशु आता तो जातिवाचक है यदि शैशव आया तो एक भाववाचक है हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए इसमें रेखांकित शब्द है देखो गरीब आता तो वो तो उसकी अवस्था सूचक विशेषण था लेकिन गरीबों एक तरह से अपने कह सकते हैं कि अदृश्य है उसको महसूस करते हैं तो ये क्या होगी संज्ञा होगी विशेषण से भावाचक बनने वाला शब्द है देखिए जो किसी की विशेषता बताता है उससे उसे विशेषण बोलते हैं अब देखिए नहाना एक क्रिया है जिसको बनाया है नहाता तो ये क्रिया से बना है खेलना एक क्रिया है तो खेलता बना दिया दौड़ एक क्रिया है तो दौड़ना बना दिया ठीक है शिष्टता शिष्ट आपको पता है कि अपने शिष्ट एक तरह से किसी की गुण की विशेषता बताता है कि आज वो शिष्टाचारी है क्या है? शिष्टाचारी है इससे शिष्टता बना शिष्टता बना तो ये क्या हो गया भाववाचक हो गया अगर वैसे भी अगर आप देखते तो आप सीधा टिक कर सकते थे कि शिष्ट और बना बनाए तो उसकी वो क्या बता रहा है विशेषता बता रहा है नेक्स्ट है निमन में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञाएं हैं किस विकल्प में भाववाचक संज्ञाएं हैं अब देखिए धैर्य जिसके पीछे रै यह लगा सौंदर्य माधुर्य धैर्य वो सारे भाववाचक होते हैं ये भाववाचक है चतुराई देखिए चतुराई एक विशेषता है स्टूडेंट किसी की विशेषता बताना होता है कि वो बहुत चतुर है और चतुर से क्या बन गई चतुराई बनगी विशेषण से बनी है प्रेम अनुराग का एक तरह से प्रायवाची है अनुराग भाववाचक है तो प्रेम को महसूस करते हैं तो तीनों के तीनों है बाकी भी चेक कर लेते हैं अकेलापन भाववाचक है वृक्ष बहुत सारे होते हैं जातिवाचक कट गया देखें खुलापन फूहड़ता तो खुलापन फूहड़ता सूर्य सूर्य व्यक्तिवाचक है ठीक एक ही सूर्य है उदासी शेर चलाकी शेर बहुत तरह के होते हैं तो ये भी गलत हो गया पहला सही है निम्नांकित में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है देखिए निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है ममता व्यक्तिवाचक बताना है ममता व्यक्तिवाचक है बैल बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट नागोरी बैल हुआ ठीक है मारवाड़ी बैल हुआ तो यहाँ से कट चुका है बैल के तो बहुत प्रकार हैं राधे श्याम नाम है पन्नालाल नाम है हिमालय एक ही है पर्वत तो दो, दूसरा आंसर है वो सही है नेक्स्ट देखिए महात्म्य शब्द है क्रिया जाति वाचक भाववाचक व्यक्तिवाचक देखिए महात्म्य है वो भाववाचक शब्द है कौन सा भाववाचक जो महात्मा जो महात्मा के योग से बना है महात्मा के पीछे यह लगाते हैं तो महात्मा जातिवाचक शब्द है यह लगाऊंगा तो महात्मा बन गया जो कि भाववाचक को बताता है नेक्स्ट कुंज में संज्ञा शब्द कौन सा है कुंज एक समूह को प्रतीत करता है तो समूहवाचक है यदि समूह वाचक ना दिया होता तो जातिवाचक होता क्योंकि क्योंकि जातिवाचक का भेद है तो समूह है जातिवाचक है सोना चांदी में संज्ञा का भेद बताइए सोना चांदी को तोल सकते हैं नाप सकते हैं द्रव्यवाचक है स्टूडेंट द्रव नेक्स्ट निम्न लिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है शत्रुता वीर मनुष्य गुरु गुरु बहुत तरह के होते हैं इंग्लिश का गुरु मैथ का गुरु हिंदी का गुरु कट गया जातिवाचक मनुष्य जातिवाचक वीर ये क्या होगा वीर तो किसी की विशेषता है अगर इसे तब लगा होता वीर तब होता तो ये भाववाचक होता शत्रुता शत्रु से बना है वैसे भी मैंने आपको कहा था जिसके पीछे ता लगता है तब लगता है पन लगता है या लगता है वो सारे के सारे इंडिकेट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा को नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं मैंने आपको बताया था अगर आपने भाववाचक संज्ञा को पढ़ा था तब मैंने आपको कहा था एक क्वेश्चन पूछा गया है गुण दोष आदि भाववाच को इंडिकेट करते हैं भाववाचक को और इंडिकेट कौन करता है दशा करती है भाव करते हैं कार्य करते हैं और गुण दोष करते हैं तो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है वाक्य में सेना संज्ञा है समुदाय को प्रतीत करती है झुंड को प्रतीत करती है नेक्स्ट है विद्वान शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा है विद्वान देखिए विद्वान का यदि मैं स्त्रीलिंग बनाऊं तो विदुषी बनता है ठीक है यहां से क्वेश्चन और आता है विद्वान को यदि बनाता हूं तो विद्वता बनता है विद्वता क्या होगा स्टूडेंट भावाचक संज्ञा होगा नेक्स्ट है मिठास शब्द देखिए यहां से दो क्वेश्चन क्लियर हैं, देखिए एक क्वेश्चन यहां भी बना हुआ है मिठास मिठास को स्टूडेंट अपने महसूस करते हैं एक मिठाई और मिठास देखिए मिठाई बहुत तरह की होती है गुलाब जामुन हुआ रसगुल्ला हुआ बर्फी हुई पानी आ रहा है मुँह में तो भाई ये क्या है ये जातिवाचक है मिठाई बहुत सारी को बताती है तो मिठास मिठास कितनी है ये अपने चख के बता सकते हैं महसूस करके बता सकते हैं तो भाववाचक संज्ञा निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है अभी बताया था मिठाई बहुत सारी है चतुराई होती है लड़ाई होती है ठीक है और उतराई होती है तीनों की तीनों क्या है है। जिस भी शब्द के पीछे ई लगा होता है है वो क्या होती है? होती है। ठीक है? ये थे स्टूडेंट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है आपको वीडियो अच्छा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं इसी के साथ एक आपको मैं कुछ और बता दूं स्टूडेंट कि जितनी भी जातिवाचक वाचक या जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं है उनका बहुवचन क्रिएट करते हैं तो वह सारी की सारी क्या हो है? जाती हैं जातिवाचक होती हैं भाववाचक संज्ञा देखिए स्टूडेंट यदि मैं बाधा है बाधा को यदि मैं चेंज करता हूं बहुवचन बनाता हूं तो बाधाएं है बनते हैं और बाधाएं है क्या होंगी स्टूडेंट जातिवाचक हो ये भाववाचक है ये जातिवाचक है जब भी भाववाचक का बहुवचन क्रिएट करते हैं तो जातिवाचक में क्रिएट होता है दूरी भाववाचक लेकिन दूरियां जातिवाचक खुशी खुशियां, ठीक है कुर्बानी कुर्बानियां, जवानी जवानियां, मेहरबानी मेहरबानियां। तो ये सारे के सारे जातिवाचक में क्रिएट हो जाएंगे धन्यवाद